top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. खास तौर से चौधरी साहब के जितने परिवारजन आए हुए हैं उन सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज चौधरी साहब की याद में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग जानते हैं कि चौधरी साहब 1918 में उनका कीनिया नैरोबी में जन्म हुआ था। स्वाधीनता की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कई लड़ाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया, 5 दफ़ा वो जेल गए और आज़ादी के बाद वो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। ख़ास तौर से गरीबों, दलितों, माइनॉरिटीज़, किसानों, मजदूरों के लिए, उनके हकों के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। और मैं ये देख रहा था कि उनके संघर्ष में और हमारे संघर्ष में कई सारी समानताएं दिखाई दे रही हैं। वो भी पूर्ण राज्य के लिए एक तरह से और ग्रेटर दिल्ली के लिए लड़ रहे थे उन दिनों में, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। शायद वो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए और उसके बाद दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, असेंबली ख़त्म कर दी गई और आज हम लोग भी पूर्ण राज्य के लिए, दिल्ली के हक, लोगों के हक की लड़ाई के लिए। कि भाई ऐसा क्यों है कि हरियाणा के व्यक्ति की वोट की कीमत ज़्यादा और दिल्ली के व्यक्ति की वोट की कीमत कम, ये तो ठीक नहीं है। तो चौधरी साहब भी उस लड़ाई को लड़ रहे थे, हम भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। चौधरी साहब भी पंचायती राज में उनका बड़ा यकीन था कि सत्ता सीधे जनता के हाथ में होनी चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ना नेता होना चाहिए ना अफसर होना चाहिए। उन्हीं के उस सपने को पूरा करने के लिए हम स्वराज की बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 महीने के अंदर दिल्ली में मोहल्ला सभाओं का गठन बहुत जल्दी होने वाला है, जिससे चौधरी साहब का सपना, ये वाला सपना काफ़ी हद तक साकार होगा। मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, सब लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनसे आशीर्वाद लेते हैं आज कि जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उन संघर्ष में कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रम प्रकाश के पास केजरीवाल।